दोस्तों सुमेरपुर न्यूज पर स्वागत है। पाली जालौर सिरोही समेत प्रदेश स्तरीय खबरों के साथ में पुनः आपके सामने सुमेरपुर न्यूज एक बार फिर आया। जी हाँ, प्रदेश के राज्य सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने एक सूचना जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब, तंबाकू, पान, गुटखा सेवन राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर शराब, तंबाकू, पान, गुटखा का सेवन करके थूकते, गंदगी करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अधिनियम में लाई जाएगी। जी हाँ, अब बढ़ते हैं सिरोही जिले की तरफ, खबरों की तरफ। तो सिरोही जिले में आज सवेरे एक बहुत दुखद घटना आई, जिसमें आबू रोड के पास में मावल चेक पोस्ट के पास में एक दुर्घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जयपुर से गुजरात की तरफ जा रहा था ट्रक, मावल परिवहन चेक पोस्ट के आगे जाम लगा हुआ था, अचानक ब्रेक लगने से हादसा हुआ और रिको इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रिको पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को वापस सुचारू करवाया। जी हाँ, अगली खबर आ रही है सिरोही जिले ही नहीं, पाली जालौर सिरोही में सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। एक तरह से कहा जाए तो जनता को समझाना पड़ेगा कि कोरोना कितना घातक है, कितना प्रभावशाली है। जी हाँ, तीनों जिलों में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे अंदेशा लगाना चाहिए कि वास्तव में यह बहुत ज़्यादा घातक है। लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ध्यान नहीं रहे। वैसे मास्क पहनकर काफ़ी जगह गमछे लगाकर भी निकलते देखे गए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बढ़ते हैं जालौर जिले की तरफ। जी हाँ, सिरोही जिले से एक और खबर है। सिरोही जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में कार्यवाहक जिला एवं सेशन न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिरोही गणपतलाल विश्नोई ने जिला मुख्यालय कारागार का सफाई का निरीक्षण किया और साफ सफाई का मुआयना करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की अनुपालना में जेल के लिए राज्य सरकार की जारी SOP की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान उपाधीक्षक जिला कारागार प्रदीप लखावत मौजूद रहे। जी हाँ, बढ़ते हैं अब जालौर जिले की तरफ। जालौर जिले में जिला प्रशासन एवं रोडवेज द्वारा डिब्रूगढ़ उदालगिरी आसाम के लिए 14 श्रमिकों को रेलवे स्टेशन बिहार बांका गया लखीसराय नवादा के लिए 14 श्रमिकों को रेलवे स्टेशन जोधपुर रेलवे स्टेशन तथा बिहार ईस्ट चंपारण सहारन सीतामही वेस्ट चंपारण के 62 श्रमिकों को पाली रेलवे स्टेशन मंगलवार को सकुशल पहुंचाया गया और बिहारों के लिए ट्रेन को रवाना किया गया। और इसको लेकर यहां बागोड़ा से बस में बैठकर जयपुर के लिए काफ़ी लोग भी रवाना हुए। जी हाँ, इसको लेकर जिला प्रशासन काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद रहा। जिला रोडवेज की मॉक्स कलश स्पेशल बस सेवा चलाएगा, जो रोडवेज जालौर से हरिद्वार के लिए चलेगी और आने जाने का किराया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्य प्रबंधक अशोक सांखला ने जानकारी दी, जिसका रजिस्ट्रेशन 23 मार्च से लॉकडाउन के दौरान जो व्यक्तियों का निधन हो चुका है उनके अस्थियां विसर्जित करने के लिए ले जाया जाएगा। 30 सवारियों से ज़्यादा उसमें नहीं ली जाएगी। जी हाँ, अब प्रारंभ किया जाएगा और हरिद्वार में रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाथों अस्थियां विसर्जित करके उसी बस के मार्फत वापस सभी लोगों को लाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो पाली जिले से। अब पाली जिले में जिला कलेक्टर अंशदीप एवं जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटके ने राहुल सोजत रोड के कस्बों का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सोजत रोड में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। होम क्वारंटाइन की कड़ाई से पालना करने के निर्देश देते हुए क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी दी गई। अगली खबर, शहरी जल प्रदाय योजना के उपभोक्ताओं को माह दिसंबर 19 से फरवरी 2020 तक के जल शुल्क के बिल जारी कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के तहत लॉकडाउन में बिल भरने की शिथिलता दी गई थी, अब यह अंतिम तिथि 5 जून कर दी गई। यह जानकारी सहायक विभाग के सहायक अभियंता ओम प्रकाश भट्ट पाली द्वारा प्रदान की गई। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पाली जिले में आमजन की विद्युत उपभोक्ताओं को कोरोना महामारी लॉकडाउन को देखते हुए राहत प्रदान की गई, जिसमें कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 31 मई तक के बिलों का भुगतान में आगामी बिलों के भुगतान की राशि में 5% छूट दी जाएगी। यह योजना 31 मई तक प्रभावी होगी, यह जानकारी दी गई। अब आंकड़े देख लेते हैं, काफ़ी आंकड़े बढ़ गए हैं, घट गए हैं। जालौर जिले में 5,560 लोगों का जांच की गई, जिसमें अभी तक 154 पॉजिटिव पाए गए हैं और कम्युनिटी डेथ मात्र 2 की हुई है। वहीं पाली में 6,418 में 360, जी हाँ आंकड़ा बढ़ गया है, 360
पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें 6 लोगों की कम्युनिटी डेथ हुई है। वहीं सिरोही में 5756 में से 139 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कम्युनिटी डेथ अभी तक सिरोही में नहीं हुई। ये जिला अभी काफी पिछड़ा हुआ रहा है। जी हाँ, आज की ताजा आंकड़ों में जो सवेरे आंकड़े उसमें 109 टोटल पॉजिटिव है, जिसमें सर्वाधिक। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, देखिए मुख्य बाजार में वही गहमा गहमी, वही ट्रैफिक का जाम और वही एक तरह से कहा जाए तो कोरोना का कोई लॉकडाउन का कोई न तो डर है न कोई प्रशासनिक पहल है। देखिए किस प्रकार से बिना मास्क के लोग घूमते साफ नजर आ रहे हैं और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वाहन चालक बिल्कुल बेखौफ सुमेरपुर के मुख्य बाजारों से गुजरते हुए साफ नजर आ रहे हैं। आज की डेट में 10 कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद स्थानीय प्रशासन के शिथिल रवैये के चलते भीड़ भाड़ का माहौल है और लगातार कोरोना का आंकड़ा पाली जिले में बढ़ता जा रहा है। तीनों जिलों में अगर पाली जिला देखा जाए तो सबसे ज्यादा आंकड़े पाली जिले में बताए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, सुमेरपुर के पहाड़ी के पास में नगर पालिका प्रशासन ने बस स्टैंड की तरफ की पहाड़ी है जो वहां से अतिक्रमण हटाने का कार्य किया है, जो कि बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमियों द्वारा लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए जिस प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा था, तो अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य के निर्देश पर एसआई यशवंत परिहार ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमियों को जेसीबी की मदद से उनके निर्माण कार्य को ध्वस्त किया और पालिका को की बेशकीमत जमीन को कह सकते हैं कि अतिक्रमणियों से बचाने का कार्य किया। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है पाली से। पाली में विधायक ज्ञानचंद पारख ने सैलून के जो व्यवसायी थे करीबन 450 दुकानदारों को, जो सैलून का कार्य करते हैं, सैलून संचालक हैं, उनको पाली शहर में करीबन 450 लोगों में निशुल्क पीपीई किटों का वितरण किया गया। वहीं विधायक पारख वैसे समाज सेवी कर्तव्यों के गर्दनी हैं और एक तरह से कहा जाए तो 450 दुकानदारों को एक एक वॉशेबल पीपीई किट व हैंड ग्लाव्स, 1 लीटर सैनिटाइजर की बोतल दी गई। वैद्य नाई समाज भवन व पाली शहर के अन्य 5 सैन समाज भवनों से अलग अलग जाकर विधायक ने की पूरी टीम ने समाज बंधुओं को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए इन किटों का वितरण किया। वहीं कोरोना से बचने को लेकर सतर्कता बरतते हुए दुकान संचालित करने की मांग के आह्वान किया विधायक के साथ में महेंद्र बोहरा, सेवा भारती के कमल गोयल, प्रमोद जैथेलिया, राम किशोर साबू, पूर्व पार्षद मनीष जैन, पूर्व पार्षद अशोक बाफना समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं सैन विकास समिति के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण दांदिया समेत सैन समाज के लोगों ने उनका आभार जताया। विधायक ने राजस्थान के पाली का प्रथम शहर है जहां विधायक ने कोरोना संक्रमण के फैलने की गंभीरता को देखते हुए हेयर सैलून संचालकों में निशुल्क पीपी किटों का वितरण किया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं विधायक। कोरोना संक्रमण फैले नहीं और अपना रोजगार भी प्रारंभ रहे तो इसको लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो भी हेयर कटिंग वाले हैं, ब्यूटी पार्लर है, मसाज वाले हैं या सेविंग वगैरह बनाने वाले हैं, वो अपना काम तो चालू कर सकते हैं लेकिन कुछ पाबंदियां उनके ऊपर लगाई है ताकि ये संक्रमण न तो आए न जाए किसी के पर। तो उसमें एक तो एप्रिन का है कि एप्रिन पहने आप, एक हैंड ग्लव्स और मास्क। तो हमने सेवा समिति परिवार से जितने भी हमारे साथी हमारे भाई है, ये सब आपस में एक दूसरे का सहयोग करने का जो हमारा सेवा समिति का एक संकल्प है, उद्देश्य है, उसके तहत हम जितने भी हमारे सैन बंधु हैं उन सबको अपनी ओर से सेवा समिति परिवार की ओर से एक एप्रिन है, एक फेस मास्क है और एक ग्लव की सेट। ये लगभग 1 महीने तक आराम से चलेगा, वॉशेबल है, हाइप्रो से इसको रोज रात को जब काम खत्म हो जाए आपका तो उसको क्लीन कर दें और दोबारा दूसरे दिन उसी को काम में ले लें। महीने पर बाद और लंबा चलेगा यही सिस्टम, तो और आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। धन्यवाद।